रांची में जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। इधर सीआरपीएफ के 10 वाहनों से भारी संख्या में जवान सीएम आवास के चारों तरफ पहुंचे हैं। ईडी के 6-7 अधिकारी थे, उन्हें सीएम आवास के गेट के बाहर गाड़ी से उतारा गया, उनका नाम व पता भी नोट किया गया। इसके बाद गेट से भीतर सभी अधिकारी पैदल ही आवास के भीतर गए। आपको बता दें कि 7 सदस्यीय टीम में 3 अधिकारी दिल्ली से है। बताया जा रहा है कि टीम अपने साथ 8 फाइलें और 300 सवाल लेकर आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूछताछ कई घंटे चल सकती है। वहीं सीएम आवास के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की भीड़ जुट चुकी है, जो ईडी सीबीआई के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही है। उधर पूछताछ से पहले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मिलकर भावुक हो गए। मुख्यमंत्री के गले लगकर बिलखने लगे। मुख्यमंत्री आवास के पास झामुमो के कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं। मंत्री जोभा मांझी, चंपई सोरेन के अलावा सत्ता पक्ष के कई विधायक सीएम आवास में पहुंच चुके हैं। जवाब क्या है? एक कानूनी कार्रवाई है, प्रक्रिया है, जिसमें एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सहयोग करने की अपेक्षा है। ये अलग बात है कि डर के कारण उन्होंने अपने घर को पूछताछ के लिए चुना है। अगर यदि मर्यादा की बात रहती तो एक बार वो मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी के कार्यालय गए थे, तो पहली बार में मर्यादा के विषय रहता तो उनको बुला लेना चाहिए था आवास में। कहीं ना कहीं डर भय तो है। डर भय ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती है। डर भय यह है कि जो गलतियां या जो गलत कार्य किए गए हैं उसके प्रति उनके पास जवाब नहीं है और कार्रवाई की डर बनी हुई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।